चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी कुछ खबरें। बिहार के बेगूसराय में शहीद दारोगा को दी गई अंतिम सलामी। शराब तस्करों को पकड़ने गए दारोगा तस्करों की कार से कुचलकर शहीद हुए, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। पंजाब के अमृतसर में मुठभेड़ में एक गैंगस्टर ढेर हुआ, दूसरा जख्मी हुआ। रिकवरी के दौरान भागने की कोशिश करने पर गैंगस्टर पर एनकाउंटर हुआ। हमले में पुलिस के दो अधिकारी भी जख्मी बताए गए। मुंबई में डीआरआई के अधिकारियों ने युगांडा की एक महिला को गिरफ्तार किया है। नए तरीके से महिला नशीले पदार्थ की तस्करी कर रही थी। महिला के इनरवेयर से तलाशी के दौरान नशीले पदार्थ मिले। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बच्ची की डेड बॉडी न मिलने पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ परिजनों में गुस्सा। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया। लापता लोगों की जानकारी जुटाकर परिजनों से शातिर ठगी करता था। सरकारी पोर्टल से जानकारी जुटाता था शातिर। यूपी के गाजियाबाद में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया है सामने। छात्रा को अभिनेत्री बनाने का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के प्रयागराज में बाप बेटे को दबंगों ने सरेराह पीटा। पौश इलाके में दुकानदारों ने दोनों की जान बचाई। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। और राज्यों से जुड़ी तमाम खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज पे। तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे नागरिकों को राहत सामग्री पहुंचा रही है भारतीय वायुसेना। मदुरई और तुतिकोरिन से हेलीकॉप्टर पहुंच रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। तमिलनाडु के आपदा प्रभावित इलाकों में बांटी जा रही राहत सामग्री। भारतीय तट रक्षक दल के जवान बांट रहे राहत सामग्री। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में नहीं पहुंच पा रही खाद्य सामग्री। पटना के महावीर मंदिर की तरफ से अयोध्या में 12 घंटे चलेगी राम रसोई। 15 जनवरी के बाद से सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मिलेगा 2 टाइम का खाना। 30 दिन में 6 लाख लोगों को भोजन कराने की तैयारी। राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा बिहार के पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर। 140 एकड़ में चल रहा मंदिर का निर्माण काम। राम मंदिर बनाने वाली कंपनी कराएगी मंदिर का निर्माण। गुजरात के वडोदरा में बनाई जा रही 108 फीट लंबी अगरबत्ती। अयोध्या के भगवान राम की मूर्ति अभिषेक में उपयोग में लाई जाएगी। 1 जनवरी को सड़क मार्ग से ये अयोध्या लाई जाएगी। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की जोरों पर चल रही तैयारियां। 22 जनवरी को गुरुग्राम के मंदिरों में भी जलाए जाएंगे लाखों दिए। अयोध्या में राम मंदिर से 26 किलोमीटर दूर धनेपुर में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को का हो रहा है निर्माण। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल से खूबसूरत और देश की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सुरक्षा कर्मियों से अभद्रता करने का आरोप है। मंदिर प्रशासन की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सीएम धामी की सुरक्षा में लापरवाही हुई। हेलीपैड पर जमीन में धस गया हेलीकॉप्टर। सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मारकर हेलीकॉप्टर को बाहर निकाला। लखनऊ के KGMU में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का प्रदर्शन। सैलरी कटौती और समय से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों में गुस्सा। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार हंगामा किया। झारखंड के रांची में कंप्यूटर संस्थान में लगी आग। विधानसभा अध्यक्ष के आवास के सामने हुई घटना। आग की वजह से इंस्टीट्यूट में रखा हुआ सामान खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के जयपुर में केमिकल गोदाम में लगी आग। आग बढ़ती देख मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। धमाके के साथ 3 ड्रम हुए ब्लास्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में कैफे के अंदर लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद इलाके में धुआं ही धुआं नजर आया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। एटा में रोडवेज बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग जख्मी हुए, 2 घायलों की हालत गंभीर। बस की टक्कर से ट्रैक्टर के उड़े पर खच्चे। राजस्थान के उदयपुर में 108 NRI 36 ऑटो पर भारत भ्रमण पर निकले। 2000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा 14 दिन में पूरी करेंगे NRI यात्री। हर ऑटो में 3 NRI सवार है, खुद ही ऑटो चला रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में शीतकाल के लिए ITBP के जवान तैनात किए गए। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा की दृष्टि से जवान मुस्तैद। दोनों धामों में तैनात हुए प्लाटून।
दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। एम्स अस्पताल के पास रैन बसेरे जो बने हैं वो फुल हैं। सर्दी दूर करने के लिए रात के समय में रैन बसेरों में लोग शरण ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। तापमान में लगातार गिरावट जारी है। दुनिया भर में नजर आ रही क्रिसमस की धूम। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मनाया जा रहा है क्रिसमस। सेंटा क्लॉज ने बच्चों को बांटे गिफ्ट, केक और तोहफे पाकर बच्चों के खिले चेहरे। अभिनेता श्रेयस तलपड़े को मिली अस्पताल से छुट्टी। हार्ट अटैक के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फैंस ने जल्द स्वस्थ होने की कामना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।